जैसे मुझे तो लगता है कि युयुत्सु बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उसमें. जो हम सारा पूरा महाभारत अगर देखें तो युयुत्सु जो कौरवों का वो था, वो उन्होंने चाहा कि मैं सत्य की साइड ले लूं, और सत्य की साइड लेके भी उसको जो सहना पड़ा, जो अपने ही लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और वो कहता है कि फिर सत्य की साइड लेके मैंने क्या पाया, तो कुछ नहीं पाया. यू नो, तो मुझे वो युयुत्सु के कैरेक्टर मुझे ज्यादा वो, यानी क्या कहते हैं, अंदर से सीधे जो कैरेक्टर है वो मुझे लगती है. बाकी अश्वत्थामा तो खैर बहुत वो है, लेकिन वो जो अंदरूनी लड़ाई है वो मुझे युयुत्सु की ज्यादा वो लगती है, और मुझे कल लगता है आज के जमाने में बहुत मायने रखती है. तो आपके हिसाब से ये युयुत्सु का नाटक हुआ, ही इज द लीड, या शायद क्योंकि मुझे लगता है मुझे उस कैरेक्टर ने ज्यादा अपील किया है. हर कैरेक्टर अपने आप में वो है, कहीं ना कहीं पे जाके सोलेस हर कैरेक्टर को मिलता है. सोलेस इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग इन दैट काइंड ऑफ सोलेस, जैसे गांधारी है, गांधारी के सारे सारे पुत्र मारे गए, और फिर उसने शाप दिया, और शाप दे के जब कृष्ण ने स्वीकार किया, देन शी गॉट यू नो थोड़ा सा काइंड ऑफ की क्या क्यों तुमने एक्सेप्ट किया. तो उसका वेंट जो था वो शाप से उसके उसका जो पूरा गुस्सा था वो निकल गया, ये हुआ. फिर अश्वत्थामा भी, उसने भी मार के लोगों पांडव के उसमें जाके उनको मारा है, तो कहीं ना कहीं पे उसको भी थोड़ा सा वो मिला होगा कि मैंने उसका वो ले लिया. लेकिन युयुत्सु कुछ नहीं कर सका, युयुत्सु के हाथ कुछ नहीं लगा, सत्य की साइड लेके भी वो क्वेश्चन करता है, फिर ये क्या है, ये क्वेश्चन करता है. इसलिए मुझे लगता है वो ज्यादा मुझे अपील करती है, क्योंकि उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं.